रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड की यात्रा करेंगे। इस दौरान वे अन्य देशों के साथ बैठक करेंगे। थाने नगर निगम के मुताबिक कल रात कलवा में एक गैस एजेंसी में एलपीजी गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 80% लोग चल गए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1549 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 31 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यूक्रेन में गोलीबारी के दौरान मारे गए एमबीबीएस के छात्र नवीन शेरप्पा के पार्थिव शरीर को वापस लाने के प्रयास के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। पुणे के राजीव गांधी प्राणी उद्योग को अगतंगों के लिए फिर से खोल दिया गया है। इस मौके पर एक व्यक्ति ने बताया, 2 साल बाद हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देश के कई राज्यों के बाद अब चंडीगढ़ में भी फ्री कर दिया गया है। इस फिल्म को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा समेत देश के अन्य राज्यों में इस मूवी को टैक्स फ्री पहले ही किया जा चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए 384,499 सैंपल टेस्ट किए गए, वहीं कल तक कुल 78,30,45,157 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। मणिपुर के मनोनीत सीएम एन बीरेन सिंह आज दूसरी बार राज्य की कमान विधिवत संभालेंगे। उन्हें दोपहर 3 बजे आयोजित समारोह में शपथ दिलाई जाएगी। बिहार के भागलपुर में संदिग्ध हालत में 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, जिसको जांच के लिए भेजा गया है।